गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, बस यही हमारी अभिलाषा रहती है। और सुबह सुबह अभी दो दिनों से मैंने शुरू किया है गार्डन में जाना, जहां पर थोड़ा सा एक्सरसाइज और वॉक के लिए जाते हैं मॉर्निंग में। तो कल ही दूसरा दिन था, वहां पर मंदिर भी है, तो मेरे मन में आया कि जब सुबह आना ही है तो आधा घंटे और पहले सही नहा धो के आओ मीनू आराम से, तो यहीं पे पूजा भी हो जाएगी क्योंकि शिव जी का मंदिर है वहाँ और बढ़िया है, तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। तो वही सोचा, फिर मैंने आज सुबह में उठी थी करीब कितने बजे, हाँ मैं 5:30 बजे उठ गई थी। और फिर घर में सुबह के जो अपने फटाफट वाले काम, वो बर्तन वर्तन पूरा सब जो धो के रखे रहते हैं ना किचन में, वो सब साफ करना रखना मतलब। और फिर नहा लिया है मैंने, नहा करके वो सारे बर्तन लगाए और पानी वानी पी करके हम दोनों आए हैं। तो जा रहे हैं गार्डन में, वहीं फिर पूजा भी हो जाएगी और पूजा करके एक किनारे रख देंगे अपना लोटा और फिर वहां करेंगे एक्सरसाइज। तो चलो आपके साथ चलते हैं गार्डन में। ये वाली रंगोली बनी है, श्री बना है और ये ना गाय के चरण है, गौ चरण, और आज इन्होंने फूल बनाया है छोटा सा। सुबह एकदम खाली शांत, और देखो हम लोग को लग रहा है कि हम ही 7 बजे भी हम घर से निकले हैं, बिल्कुल 10 मिनट हमारी घड़ी आगे है ना। हाँ तो 10 मिनट पहले निकले 7 बजे से और अब जा रहे हैं वापस, हमें हर हालत में 7:30-7:45 तक आ जाना है। और भी लोग कितने पहले से उठते हैं, देखो उन्होंने सिंचाई करी दरवाजे पे, फिर रंगोली निकाली, तब सुबह से लगे रहते हैं। आज तो सब खाली है भाई, देखो गार्डन भी और जिम एरिया भी। आते होंगे लोग, अभी 7 ही बजे हैं, जब तक हम लोग मंदिर में चलते हैं। आज ना पहले पूरे गार्डन का एक राउंड लेने वाले हैं हम लोग, उसके बाद जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। पता नहीं मेरा मोटापा कुछ कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब प्रयास तो कर रही हूँ मैं कि हो जाए, जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो कम हो जाऊं मैं। छोटा सा ही है ये गार्डन, बड़ा नहीं है ये, देखो ऐसे बाउंड्री है ये पूरा, इतने में कैंपस है पूरा, मंदिर भी है इसी में, पार्क भी है, दो बच्चे आए झूला झूल रहे हैं। गुप्ता जी आगे आगे, मैं पीछे रह गई। उसमें बैठना नहीं है, उसमें ऐसे नीचे बैठना है, फिर ऊपर नीचे होना है। हाँ ये दोनों बच्चे साइकिल, उसके बेचारे के पैर नहीं पाए उस रहे। अब 7:30 हो रहे हैं, हम लोग लौट रहे हैं। आज आधा घंटे में ही पसीना निकल गया, करके थकान हो गई। अब घर आ गए, अब शुभम के स्कूल जाने का टाइम, तो शुभम की तैयारी बनाई जा रही है। आज तो शुभम का लास्ट एग्जाम है,
और फिर उसकी छुट्टियां हो जाएंगी, फिर 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बस शुभम को छोड़ने उसके पापा जा रहे हैं, मैं उसको लेने जाऊंगी। जब हम लोग आते हैं उस समय शुभम अपना तैयार व्यार हो करके रेडी रहे और दूध पी करके और ब्रेड बटर खा करके ही निकल रहा है। नाश्ता कुछ लेके नहीं जाता है क्योंकि जल्दी आ जाना है 11:30 बजे तक। और मैं यहाँ पर गुप्ता जी उसको छोड़ के आए हैं शुभम को स्कूल, और उसके बाद अब मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। हम दोनों की चाय है, अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, और शुभी और उसके पापा और मैं, हम तीन लोग हैं, हम लोग नाश्ता करेंगे। शुभम नहीं है क्योंकि सुबह उसको मन नहीं था खाने का ना इतनी सुबह, इस वजह से उसको छोड़ के आके फिर नाश्ता करके फिर ड्यूटी जाना है इनको। और ये मैंने बनाई है कचौरियाँ, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, वही मसाला ज्यादा था ना, जितनी कचौरियों की जरूरत थी उतनी मैंने रात में बनाई थी, बाकी का मसाला मैंने फ्रिज में रख लिया था, तो सुबह सुबह नाश्ते में काम आ गया। और कोई भी मसाला होता है कचौरी का, दाल का, जैसे मूंग का, उड़द का, ये तो खैर इंस्टेंट कचौरी रेसिपी थी, तो भी फ्रिज में रख दिया तो अगले दिन यूज कर लेते हैं। आलू वगैरह कई बार रहता है तो आलू भर के भी कचौरी, पराठे या सैंडविचेस वगैरह नाश्ते के लिए, पूरी पराठे के लिए बढ़िया है। और ये कचौरियाँ आज भी इसी तरीके से गोलू मोलू सी फूल रही थी, ठम ठम, बहुत बढ़िया। और आटा भी जैसे रात का जो बच गया था वही मैंने रख दिया था ना फ्रिज में, तो वो और भी अच्छे से सेट हो जाता है आटा, अगले दिन तो कमाल ही हो जाता है। और बस नाश्ता वाश्ता हुआ, फिर यहाँ शुभी ने अपना पोछा वोछा लगाया, नहाएगी बाद में, ये था कि अब आराम से नहा धो लेगी, पोछा लगा दे, झाड़ू मैंने लगा दी थी। और मैं तो सुबह नहा के ही गई थी आज मंदिर के लिए, तो उस समय सुबह मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, वापस आई हूँ अभी जब, तब मैंने झाड़ू लगाई है। और शुभी पोछा लगा रही है, पोछा लगाने के बाद अपना नाश्ता वाश्ता कर लेगी, थोड़ी देर बैठ के फिर अपना नहा लेगी। और शुभम सुबह स्कूल गया है तो नहा के गया था, क्योंकि दोपहर में आके फिर देर रहती है ना, इस वजह से। पोछा लगाने के बाद सारे प्लांट्स, दोनों बालकनी में पानी डालना है, बालकनी धुलना है, ये सब शुभी ने कर दिया। और तुरंत तो 11:30 होते हैं, मतलब 11:30 होने में टाइम ही कितना था। बस मैं शुभम को लेने चली गई स्कूल, आजकल तो सुबह हो जा शाम, टाइम का नहीं पता चलता, काम में लगे रहो बस तुरंत होता है। ये शुभम को स्कूल से लिया और फिर हम लोग घर जा रहे हैं। कल ही मुझे किसी ने पूछा इसको ताप्ती नदी कहते हैं कि तापी, यहाँ पर लोग तापी नदी बोलते हैं भूसाल में, तो हम भी तापी नदी ही जानते हैं एग्जैक्टली कन्फर्म, मतलब यहाँ तापी नदी बोलते हैं। ये जो नदी अभी दिखी ना शुभम के स्कूल के रास्ते पे साईं जीवन के आगे, और घर आ गए हम लोग। और खाने में खाना बना के गई थी मैं, गरम गरम कढ़ी और चावल, बूंदी की कढ़ी, शुभम को बहुत पसंद है प्लेन कढ़ी और राइस, और साथ में पापड़ चिप्स तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारा लंच था, अब इतने टाइम शुभम को यही था कि डायरेक्ट ही लंच करना है, तो मैं, शुभी और शुभम, हम तीनों की प्लेट्स दाल चावल या कढ़ी चावल, लंच में बच्चे पसंद करते हैं, कढ़ी चावल ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे हमारे घर में, मतलब सबको कढ़ी पसंद है। और खुश हो गया वो क्योंकि इसमें कुछ नहीं डला, इसलिए उसके चेहरे पे स्माइल थी, सिर्फ बूंदी डली है, मतलब कोई पकौड़ी नहीं डली है, नहीं तो मम्मी कभी पालक के पकौड़े डाल देती है, तो कभी मेथी के, तो कभी भतुआ मिक्स कर देती है, तो कभी कुछ और पत्ते, तो इस बात की उसको खुशी थी कि। और अब यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, 5:49 हो रहे हैं, इसमें से 10 मिनट तो हमारे घर की घड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं ट्रेन की तरह। शाम को ही मैं प्रॉपर शूटिंग करती हूँ, सुबह तो अभी एक दो दिन से मैं थोड़ा 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 करके ऐसे शॉट लेती रहती हूँ, जो प्रॉपर डिनर रूटीन या फिर जो पूरा रेसिपी सहित, वो मैं रात वाले में थोड़ा कंफर्ट रहती हूँ कि फिर आराम से होता है काम और सभी लोग रहते हैं। तो शाम का समय है, शुभम अभी ट्यूशन से आया नहीं है, गया था, और मेरी चाय वगैरह हो चुकी है, गुप्ता जी ड्यूटी से आ चुके हैं, और क्या बनाना है उसके हिसाब से सारी चीजें करके रखी हैं। तो जैसे मैंने थोड़े से चावल भिगोए हैं, फ्रिज से निकाल के रखी है लौकी, खीरा, दूध फ्रिज से बाहर किया है, इसका मतलब इन सब का यूज होने वाला है। और मैं इससे पहले कि शुरू करूं अपना काम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, जिससे मैंने एक दिन बताया था, ये नैपकिन का सेट मंगवाया है, ये बहुत अच्छा है, मैं इसके लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। और ये
नॉनस्टिक तवा या कढ़ाई साफ करने के लिए। मैं काफी दिनों से इस ब्रश को ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल गया, ये बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल यूज नहीं किया, यूज करूंगी तो मैं उसका रिजल्ट बताऊंगी। मैंने मंगाया है तो दिखा रही हूँ। शाम का टाइम, शुभम ट्यूशन से आता है तो उसे भी रहता है कुछ खाना है, दूध भी पूछ लो लो दूध पीने के लिए, तो जल्दी नहीं पीना चाहते हैं बच्चे, अब गर्मी इतनी ज्यादा है। तो मैंने बस यही है कि एक खरबूजा रखा था वो काटा है, और कुछ अंगूर धुले हुए रखे थे फ्रिज में, अंगूर रखती हूँ मैं धो करके ही, तो बस अभी मैंने यही निकाले हैं फ्रूट्स सबके लिए शाम के समय में। यही एक टाइम है कि फलाहार हो जाता है, दोपहर में भी खाना, सुबह नाश्ते में नहीं कोई खाना चाहते बच्चे, सुबह सुबह फल और रात का वही फिक्स रूटीन खाने का टाइम। तो ये है मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पैकेट, हमने इस बार मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो बस एक मुट्ठी निकाल लिया, इसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स हैं, काजू बादाम किशमिश, दो तरह की किशमिश हैं, छुहारा भी है इसमें, अंजीर भी है, मतलब मिक्स फ्रूट ड्राई फ्रूट्स हैं। कढ़ाई पे घी डाल करके ये ड्राई फ्रूट्स मैं भून ले रही हूँ, हल्का सा घी में फ्राई कर ले रहे हैं। ये मैंने कसा हुआ नारियल डाला है, सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल, तो घी में ये सारे ड्राई फ्रूट भून लेंगे, क्योंकि इन मिक्स ड्राई फ्रूट्स में नारियल नहीं है, ये मैंने डाला है क्योंकि हमें खीर में पसंद है डालना कद्दूकस किया हुआ। ये चावल मैंने भिगो के रखे थे, अभी आधा एक घंटे हो गया, भीगे हुए चावल है, हाथों से ऐसे रगड़ दिया तो और भी बारीक हो जाते हैं पानी में डले हुए रहने की वजह से, और उसे घी में डाल के भून लिया। दूध का वही है, या दही जमा लो या खीर बना लो, कुछ मीठा बन जाएगा तो बच्चे खा ले रहे हैं, दूध नहीं पीना है तो, अब शाम का दूध नहीं पीना है रखा हुआ है, तो मैंने यही किया। और आज चूंकि मुझे खीर बनानी ही थी, इस वजह से मैंने इसकी मलाई भी नहीं निकाली थी सुबह, जैसे रोज निकालती हूँ ना मैं, तो ये दूध डाल दिया है पूरा खीर में और इसे पकने दिया। सबसे पहले अब ये खीर पकती रहेगी, और चावल की, ये जो चावल है ना, ये हमारी पूजा प्रसाद के चावल रखे थे, कब से रखे थे, मैं सोचती थी कि बनाऊंगी खीर, आज याद से बनाया मैंने, काफी दिन से रखे हुए थे। और ये लौकी आई हुई थी, दो दिन से फ्रिज में रखी है, एक भी बीज नहीं लौकी में, बहुत ही अच्छी चिकनी लौकी है, लौकी की सब्जी टमाटर वाली बहुत अच्छी लगती है, अब आगे गर्मी में वही बननी है सिंपल सब्जी, लेकिन फिलहाल आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, तो इस पूरी लौकी में तो ज्यादा है कोफ्ते के हिसाब से, तो मैंने दो, हालांकि पूरी लौकी कद्दूकस कर ली है, दो टुकड़े जो किए थे, एक साइड ये देख रहे हो, एक इतने हाफ पोर्शन में ही कोफ्ते काफी सफिशियंट है, और हाफ जो बचा हुआ है या तो इसकी खीर बना सकते हैं या रायता बना सकते हैं, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ लौकी काफी है, चूंकि मैंने चावल की खीर बनाई है ना इस वजह से नहीं बनाया, अदरवाइज मैं लौकी की खीर बना लेती तो मैं रायता बना लूंगी, वो मैंने निकाल के रख दिया है, अब नया दूध उबालने रखा है साइड में। और जो बर्तन में मैंने कद्दूकस किया था उसमें जो आधी लौकी रखी हुई है इसमें हम सारे मसाले मिला लेंगे, तो मैंने बेसन लिया है, बेसन उतना ही जितना लौकी है उसके हिसाब से लेना होगा, तो करीब मैंने हाफ कप के जितना बेसन तो लिया ही है, चार चम्मच डाला था, और हल्दी पाउडर जरा सा डाला है, अजवाइन डालती हूँ मैं इसमें बेसन की कोई भी डिश बनाई तो, और लाल मिर्ची पाउडर, साथ में नमक डाल लिया। लौकी में भी पानी रहता है इसलिए अभी पानी मैंने मिक्स नहीं किया, जो बेसन है उसमें सब अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, बहुत ज्यादा टाइट लगा तो दो बूंद पानी से छींटा लगाया कि एकदम नरम हो गया, क्योंकि अभी नमक डाला ना तो लौकी से पानी आएगा ही, तो और ये हमारा इस तरीके का मिक्सचर तैयार हो गया है। कभी कभी बहुत टाइट भी रहा ना थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जब तक हम कढ़ाई में तेल रखेंगे गरम करने, अभी हमने साइड में इसको रख दिया है घोल करके, और यहाँ कढ़ाई रखी हमने गरम करने के लिए, सुबह मैंने जब कढ़ी बनाई थी तो फिर कढ़ाई धुल ली थी, मैं अक्सर कुछ डीप फ्राई करूँ उसके बाद कुछ ऐसा पका लेती हूँ कढ़ाई में, फिर वो धो के रख लिया, तो लगातार वो नहीं रहता है कि चिकट जाए, और फिर अब हम फ्राई करेंगे पूरा हॉल खा, क्योंकि जो मैंने फ्रूट्स कट किए थे सबने खाया, और इसके बाद शुभी और शुभम चले गए छत में ऊपर, और गुप्ता जी गए हैं मार्केट, जो कूलर लगा है इस साल हॉल में उसकी मोटर कुछ प्रॉब्लम कर रही है, ठीक से चल नहीं रही है, तो मोटर लेनी है, तो गुप्ता जी अभी गए हैं मार्केट और दोनों बच्चे छत पर हैं। 6 बजे के बाद ऐसा लगता है ना थोड़ी देर छत में चले जाओ, बच्चों को बोला मैंने थोड़ा सा टहलाओ, और ये पकौड़े मैं बना रही हूँ, अगर यहाँ होते हॉल में तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग तो इसकी हो ही जाती थी ना टेस्ट करने के लिए, तो कोई नहीं है टेस्ट करने के लिए तो ये जितने भी बन रहे हैं ये सब्जी के लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ मैंने कोफ्ते बना करके प्लेट में निकाल के रख लिया है, और एक तरफ इंडक्शन में धीमी आंच में खीर भी पक रही थी, तो इस तरीके से दोनों काम हो गए हैं, कोफ्ते हमने साइड में रख लिया है, अब आगे का काम होगा। तो खीर को हिला के देखा, मस्त गाढ़ी खीर है एकदम, दूध तो एकदम इतना अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, और ये मैंने डाला है गुड़,
चावल की खीर में मैंने गुड़ का यूज किया है, चीनी नहीं डाल रही हूँ, ये तो आपकी चॉइस है। और ये जो गुड़ है ये हम दूध में डाल रहे होते हैं चाय बनाते वक्त, तब भी नहीं फटता है। ये यहाँ पर जो गुड़ लिया हमने साई जीवन से, लगातार हम 3-4 महीनों से यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। आप पहले चेक कर लो आपका गुड़ यदि दूध में फटता है दूध में डालने से तो ना डालें, वरना पूरी खीर खराब हो जाएगी। और ये इलायची पाउडर डाला है मैंने। पहले कभी चाय बना के, एक कप चाय बना के टेस्ट कर लो आपकी सही है कि नहीं, तभी डालो। क्योंकि कई बार गुड़ में जब तक आपको कन्फर्म ना हो ना, डाउट रहे, तो फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। गुड़ की क्वालिटी होती है कभी कभी दूध को फाड़ देती है। और ये है दही, तो दही में ज्यादा सी दही है, कल मैंने दही बड़ों में यूज की थी ना, आधी दही आधी रखी हुई थी, उसको ही मैंने अभी आधा लिया है, थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया है। और एक तड़के, एक फ्राइंग पैन में मैंने घी 1 चम्मच गरम किया है, उसमें जीरा डाला है, सिर्फ 1 चम्मच घी और जीरा और हींग डाला है, जैसे कि हम लोग तड़के के लिए करते हैं रायते में तड़का लगाने के लिए, ठीक वैसा ही जीरा और हींग। ये जो कद्दूकस किया हुआ लौकी है ये मैंने इसमें डाल करके फ्राइंग पैन में भून रही हूँ। एक्चुअली जब भी हम लौकी का रायता बनाते हैं तो हमेशा हम लौकी को उबालते थे और फिर निचोड़ करके पानी से फिर हम दही में डालते थे। एक बार मैंने बनाया रायता लौकी का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आया कि आपने उबाल करके पानी फेंक दिया और लौकी यूज करी तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो पानी में चले गए लौकी के। यदि आप इस तरीके से भून लो, उनका मतलब था, और उसके बाद पका लो मतलब, फिर डाल दो तो लौकी पकी हुई रहेगी और दही में आप मिक्स कर सकते हो। तो ये कब बात, काफी दिन हो गए, मैंने ये ट्राई भी किया था एक बार तो मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं ऐसे ही करने लग जा रही हूँ, और इसीलिए फिर आज वही किया मैंने। अब यहाँ पर ढकने के बाद ना नमक डाल दिया था हमने, तो लौकी हमारी पक गई है। लास्ट में ही मैंने बस जरा सी लाल मिर्ची डाली, जैसे हम तड़के में डालते हैं ठीक वैसा ही जरा सा। और ये लौकी हमारा पूरा पक चुका है, कद्दूकस की हुई लौकी है, नमक डाला हुआ था और हींग जीरा इसमें है, नमक और मिर्च। अब इस लौकी को हमने मिक्स कर दिया डायरेक्ट दही में, इससे हमारा लौकी का रायता बन गया। लौकी को हमको उबाल करके उसका पानी फेंकना भी नहीं हुआ, लौकी हमारी पक गई है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे नॉर्मल हम लौकी उबालते हैं वैसा ही रहेगा। अब ये भुने जीरे और सौंफ वाला जो रायते वाला जो मसाला बनाया था ना मैंने, वो डाला है रायता मसाला, और धनिया पत्ता डाला है कटा हुआ। इसमें जीरा सौंफ तो है ही, और भी मसाले हैं जो मैंने रायता मसाला बनाया था, और रेसिपी आपके साथ। एक छोटा टुकड़ा अदरक, हरी मिर्ची, और ये बड़ा सा टमाटर था तो उसे मैंने छोटा पीस करके डाला है, और ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची, और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, वो भी धनिया का पीछे वाला हिस्सा डंठल, और धनिया पत्ता मैंने अलग काट के रख लिया, वो मैं सब्जी में ऊपर से डालूंगी, और इसको मैंने पीस लिया है। आज जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी बहुत ज्यादा मसाले वाली नहीं लगती है, ग्रेवी हल्की सी लगती है। कढ़ाई में अभी मैंने फ्राई किए थे ना कोफ्ते, तो मैंने तेल निकाल लिया है डोंगे में और इसे साइड में रख लिया है। सिर्फ उतना ही तेल है जितना मुझे सब्जी के लिए चाहिए है थोड़ा सा, और उसमें तेल गरम में मैंने तेज पत्ता, जीरा डाला है, और एक टुकड़ा दालचीनी का डाला है, और साथ में एक लौंग, एक गोल काली मिर्च। और ये जो हमने पीसा है ना प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची, हमने एक साथ जो पीसा है आज, और ये डाल दिया है। वैसे तो अलग अलग पीसना है चाहिए, पीसते हैं सब, कभी कभी बहुत जल्दी रहे, होता है ना कि एक ही बार इकट्ठे डालो, पीसो और बनाओ। और कई बार ये जो जल्दबाजी में हम बनाते हैं ना, ये ग्रेवी भी बहुत मस्त बनती है। कोफ्ते बनाने के बाद ये 1 चम्मच जो बेसन रह गया था इसमें बर्तन में, जिसमें हमने बैटर तैयार किया था, वो मैंने बेसन इसमें डाल दिया है मसाला भूनते वक्त। अगर रोस्टेड बेसन रखा है घर पे अलग से डब्बे में भून के रखते हैं, तो आप 1 चम्मच बेसन पाउडर भी डाल सकते हैं मसाले में। अब हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला जो कि होममेड गरम मसाला है, क्योंकि हमने और ज्यादा मसाले नहीं डाले हैं खड़े मसालों में से, इसलिए आधे चम्मच से भी कम था ना ये, छोटे चम्मच से इतना गरम मसाला डाला है। ये सब्जी जैसे होता ना कि फटाफट से बनाना है, रसोई के लिए ज्यादा टाइम नहीं है और सब्जी भी कुछ अच्छी बनानी है मसाले वाली, तो ये एक साथ भी पीस के कभी कभी बना सकते हैं, अच्छा लगता है। और बस अब ये सब एक साथ अच्छे से भून लो, बस मसाला अच्छे से भून लो, जैसे जो हम पहले से प्याज व्याज भून के करते हैं, यही काम इसमें आराम से बाद में भूनो कढ़ाई में धीमी आंच करके। और ये फ्राई की हुई थी ना कोफ्ते, इसके बाद कोई भी चीज मसाला वगैरह भूनो तो वो बहुत अच्छा बनता है जब फ्राई की हुई कढ़ाई रहती है। दूसरा इंडक्शन, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है मसाले में भूनने वक्त,
जिससे हमारा जो मसाला है वो जल्दी से पक जाए और अच्छे से भून करके फिर जो तेल सेपरेट हो जाता है, अच्छे से भून जा रहा है वैसा मसाला भुन जाए। इंडक्शन में मैंने पानी गर्म करने रख दिया था उसी कटोरदान में जिसमें अभी मैंने बेसन और लौकी घोली थी ना, उसी में ही। ये इंडक्शन में फ्लैट बॉटम बर्तन यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील बर्तन यूज होते हैं, इसलिए वो कटोरा भी रख दो ना तो भी गर्म, कटोरी भी चढ़ा दो तो भी पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, ऐसा है। तो बस अब मैंने ये बर्तन में पानी गर्म किया था। कभी भी आप मसाले वाली सब्जी बनाओ ग्रेवी के लिए, भून रहे मसाला एक साइड में गर्म पानी रख लो, जब आप पानी डालो तो गर्म पानी डालो तो जल्दी से उबाल आ जाती है, मसाले का कलर भी अच्छा आता है ग्रेवी का। और ये मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, उबल रहा था पानी इसी टाइम पर। अब आँच को मीडियम या धीमी कर सकते हैं, आराम से पकता रहेगा। लेकिन मसाला अच्छे से भुन गया है तो सब्जी का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और घड़ा जो बाहर रखा है, बीच बीच में सब अपनी अपनी बॉटल भरते रहते हैं बच्चे, और जो हमारे यहाँ टेबल पर रखे हैं दो जग वो भी भर के रख देते हैं कॉपर वाला। और अब मैं सैलड कट कर रही हूँ, तो खीरा नींबू निकाला है मैंने, बस वही काट रही हूँ। इस समय तो खीरा ही खाना अच्छा लगता है, नहीं नींबू नमक डला हुआ, बस ऐसा लगता है और कुछ नहीं चाहिए, ही खा लो, और गर्मियाँ है ना। और ये हमारे कोफ्ते अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ये देखो अच्छा खोल रहा है ना। थोड़ा पतला ही रखूंगी मैं रस्सा, ज्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना है वरना बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आज पतला रखा है रस्सा। और कोफ्ते भी थोड़े से पानी सोख कर लेते हैं, इसलिए ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया। हमारे कोफ्ते की सब्जी रेडी हो गई, और धनिया पत्ता डाल के मिक्स करने के बाद सब्जी को मैंने दूसरी हांडी में निकाल लिया है और कढ़ाई को धुलने में पहुंचा दिया है। इसे हम रख के साइड में कर लेंगे। आज कढ़ी चावल बना था तो थोड़ा चावल बचे हैं दोपहर के, इसलिए मैं चावल नहीं बना रही हूँ। कोफ्ते के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो दिन के चावल हम लोग खाएंगे, प्लेन चावल मसाले वाली सब्जी में। और अब मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है, और रोटी अब मैं तवे पे सेकती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिन लोगों ने अभी देखा है तो उनको नया नया लगता है, तो गैस की फ्लेम में रोटी नहीं सेकना है, इस वजह से मैं तवे पे सेक लेती हूँ। और ये कपड़ा मैंने अभी निकाला है जो मैंने पैकेट मंगवाया है, ये नैपकिन है, इसमें 5 का सेट है, तो ये रोटी का चकला रखने के लिए है, सूखा आटा गिरता है तो उठा के इसको झाड़ सकते हैं। और दो बना लूंगी मैं, तो एक चेंज करते रहेंगे अपना, एक धुलने में डाल दिया एक यूज कर रहे हैं, बढ़िया है क्लीनिंग के लिए तो है ही, कि चाहो तो इससे मतलब किचन काउंटर टॉप भी साफ कर सकते हैं या फिर रैक शेल्फ वगैरह साफ कर सकते हैं, और डस्टिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर ये तवा रोटियां सिकनी शुरू हो गई। ये जो लकड़ी का प्रेस है जिससे मैं दबा रही हूँ रोटियां, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये हमने डीमार्ट से लिया है, इस वजह से इसकी लिंक नहीं है, मुझसे पूछ रहा था कोई तो इसकी लिंक नहीं है, ये डीमार्ट से लिया है। वो वीडियो भी अभी शेयर करना है आपके साथ, हम डीमार्ट गए थे, बस रोज रोज के रूटीन में फिर वो रह गया, मेरा वीडियो शेयर करूंगी मैं। और ये देखो ब्रश है, इसे मैं लिक्विड डाल रही हूँ इस तरीके से, और गाढ़ा है जेल तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें जो एक्सटेंशन लगाया है हमने फोम वाला, इससे किसी भी तरीके के नॉन स्टिक बर्तन पैन सब अच्छे से क्लीन करके, बस इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, ये अच्छा है, मुझे पसंद आया ये। और ये हो गई है बर्तनों की सफाई, तो अब खाना तो बन गया, तो भूख टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा ना। अरे इन्होंने कैसे बना दिया, तो टाइम बराबर क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं टाइम बराबर आएगा, टाइम इनटू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टाइम इनटू स्पीड बराबर डिस्टेंस आएगा ना। अरे ऐसे बना कर दी, टाइम इनटू स्पीड बराबर डिस्टेंस 480 अपॉन एक्स, टाइम बराबर आ गया डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड एक्स बना। फिर दूसरे वाले का टाइम निकाल लो, यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं वहाँ गई हॉल में बैठने, तो देखा वहाँ शुभम पढ़ रहा था, मैं गुप्ता जी पढ़ा रहे थे, मैंने चुपके से कैमरा घुमाया, उन लोगों को पता भी नहीं चला। अगर ये पता होता कि मैं शूटिंग ले रही हूँ तो अभी तुरंत अलर्ट हो जाते, खाना खाने के लिए भी आते हैं ना टेबल पे, तो टी शर्ट पहन करके आते हैं, मतलब ड्यूटी से आए, गर्मी है भयानक,
अपना बनियान पहन के रहेंगे। पता चला कैमरा घूम रहा है, तुरंत कपड़े मीनू हमारे, अरे रुको रुको और शुभम पढ़ रहा था ना पापा के पास, तो इसलिए वो मैंने ऐसे सोफे में बैठी, इनको लगा ऐसे तो हमेशा बैठती रहती है, इन लोग का ध्यान ही नहीं गया, इसलिए वो क्लिप थी। मुझे हंसी आ रही थी पर मैं रोक रही थी अपनी हंसी, हंसी भी आ जाती मुंह से निकल जाती है हंसी, तो इनको दिख जाता, समझ जाते कुछ तो इसने किया है, मीनू खुराफात बताओ। और ये खाना हो गया सबका, लौकी का रायता बहुत अच्छा था, और लौकी के कोफ्ते काफी दिनों बाद बने हैं, भंडार तो देख ही रहे हो जितना बड़ा भंडारा उससे बड़ा वाला भंडारा ये है, मतलब जितना भंडारा में खाना नहीं बना होगा उससे ज्यादा भंडारा यहाँ रहता है बर्तनों वाला। और बस किचन क्लीनिंग हो गई, अब मैं फ्री हो गई हूँ, बैठ करके आराम से वागले, यही टाइमिंग हमारी परफेक्ट टाइमिंग रहती है, अब बैठ के वागले देखना रहता है और उसमें सारा डिस्कशन होता है। हमें वागले हमारे पूरी परिवार को बहुत पसंद है और इनके हर टॉपिक हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और कल फिर मिलेंगे हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।